Are you? Charge, charge. साना अशी ओ साना बेटी तीनू नहीं आया भाई भाई थोड़ा यूसी डाल दो ना भाई थोड़ा नहीं थोड़ा यूसी डालो भाई गरीब लोग है भाई 10 रुपए तो डालो 10 रुपए सुपर चैट अरे मन लगा था भाई भाई लैग हो रहा भाई फोन फोन नया दिलाओ भाई सुना दो आशिक भाई देख के आशिक हो जाता है आशिक बनाया चूतिया बनाया ले रे बिन तेरे बिन सोनी सोनी बातें तेरे बिन आशिक बनाया awesome आशिक बनाया चूतिया बनाया हेलो तो मेरे दोस्तों कैसे हो आप लोग भाई कमेंट में लिख के जरूर बताना एंड जो BGMI यूजर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे ये मुझे भी पता है क्योंकि ऐसी परेशानी मेरे साथ भी चल रही है क्योंकि भाई अभी अभी मतलब कल एकदम से अचानक से न्यूज़ मिली कि BGMI प्ले स्टोर ऐप स्टोर हर जगह से जा चुका है तो फिलहाल सबसे पहले हम लोगों ने जंप की पोचंग की अभी फिलहाल पहले गेम प्ले की बात करते हैं फिर करते हैं इस बारे में बात तो सामने बंदा अब ये वाले बंदे को मैंने नॉक फिनिश कर दिया एंड भाई आप लोगों से मैं अब ये सवाल करूंगा कि आप लोगों को कुछ पता है कि क्या रीज़न था देखो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी पर्सनल मतलब कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिल पाई है कि भाई रीज़न क्या रहा एंड भाई एकदम अचानक से ये सब हुआ अब यहाँ पर पोचंगी के अंदर कुछ बंदे मतलब बंदे भी आए थे एंड पोर्ट भी थे तो कई सारे मुझे फ्री के किल भी यहाँ पर मिले लेकिन आज का ये वाला गेम प्ले बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है एंड मुझे लगता नहीं कि अगला गेम प्ले मैं खेल पाऊँगा या नहीं बट जब तक चल रहा है चलने दो बट यार आज का मैंने देखा कि आज मैं सुबह से लेकर मेहनत कर रहा था लेकिन रैंडम के साथ आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही रैंडम वाला जो मैच था ना उसमें मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें चली क्योंकि भाई जब से BGMI प्ले स्टोर ऐप स्टोर से गया है ना तो बहुत ज़्यादा ग्लिच एंड सर्वर में ना प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा एकदम बंदा इस मतलब ऐसे सामने से ना एकदम इधर उधर हो रहा है तो फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया सामने बंदे I got supplies. अब भाई इस वाले नेड के साथ कमाल ही हो गया था यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना इस घर कमरे के अंदर एक तो मैंने पहले ही नोक मार दिया था एंड इसका एक टीममेट बाहर गया वो भी मैंने नोक कर दिया था एंड कुल मिलाकर ये सारे बंदों को मैंने फिनिश कर दिया अब यहाँ पर 6-7 किल मेरे हो चुके थे एंड गाइस अब हम फिर से वही बात करते हैं कि BGMI बैन क्यों हुआ देखो ऐसा ना तो मेरे पास कोई मतलब यही नहीं पता किसी को क्या रीज़न क्या है मैंने बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रीमर की स्ट्रीम भी देखी उनके पास भी कोई रीज़न नहीं है कि क्या था तो फिलहाल यहाँ पर मेरे बंदे को जैसे ही नोक किया गया सामने बंदा अब यार एक अच्छा कवर मैंने अपने टीममेट को दिया एंड स्मोक बनाया एंड उसको रिवाइव करने के लिए अब यार आप लोगों को दिख रहा होगा ना थोड़ा मतलब गेम में डिलेपन बहुत ज़्यादा डिले चल रहा है तो पता नहीं एंड सही बताऊँ ना एक दो गेम में सर्वर भी गया है एकदम सर्वर अभी फिलहाल जैसे अपने टीममेट को मैंने रिवाइव किया सामने एक बंदा था अब इस वाले बंदे पर अंधा फ्री फायर मारते हुए मैं इसके घर में घुस चुका था क्योंकि भाई यही मौका था इसके घर में घुसने का ये बंदा डरा हुआ था एंड जैसे ही ऊपर नेट फटा मैं सीधा ऊपर गया चलो चलो अब भाई इस बंदे को भी मैंने फिनिश किया अब कुल मिलाकर 7 किल मेरे हो चुके थे एंड पोचंकी में लगभग मुझे लग रहा था कि सारे बंदे खत्म हो गए लेकिन ऐसा कुछ नहीं था अभी बंदे यहाँ पर काफ़ी हद तक बचे हुए थे एंड आप लोग ये बताओ कि आप लोगों ने सुबह से गेम खेला है तो कितने ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आई है तो फिलहाल यहाँ पर जैसे मैं पोचंकी के इस साइड में आया तो पता लगा कि रोड साइड अभी फाइट चल रही है एंड उन बंदों के पास तो भाई अच्छी अच्छी अपग्रेड वाली गन थी अब भाई मुझे डर तो लगा था लेकिन मैं सीधा घुसता चला गया अब ये किल फील्ड में अभी कोहिनूर गेमिंग जो आया था ना ये बंदा सामने की तरफ था क्योंकि गन की आवाज़ से एंड मुझे क्लियरली पता लग गया था ये बंदा यहीं है एंड यही मेरे हाथ से चढ़ने वाला अभी फिलहाल यहाँ पर मैं सबसे पहले आया एक नेड खींचा क्योंकि मुझे सामने वॉल पर एक बंदा लगा था
अब भाई यहाँ पर देखो कितने किल मुझे मिलेंगे, किल ज्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन यहाँ हम सारे बंदों को फिनिश करने वाले हैं। Watch out! चलो रुजा रुजा गोले भाई मुंह उठा के मत जाओ पिटोगे। अब ये कोहिनूर गेमिंग नाम का जो बंदा था ना, ये मतलब अचानक से जैसे ही मेरे ऊपर कूदा ना तो मुझे लगा था कि मेरा काम बजने वाला है, बट उससे पहले पहले मैंने एकदम सही से अपने एम को एम सेटिंग, यहाँ पर काम बन गया मेरा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे ही निकलने की कोशिश की तो दो फ्री के किल। अब भाई ये क्लच देखो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अब यार इस क्लच के लिए एक लाइक कर दो क्योंकि 1v2 किया है बोटो के साथ, तो भाई इसके लिए एक लाइक। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद एक ऐसी फाइट में इन्वॉल्व होने वाले हैं जो धरती पर नहीं हवा में होने वाली है, एंड वो फाइट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। एंड वहाँ पर ना फेरो को भी मारने वाले हैं, वो बड़ा सा दानव जो था। अब जैसे हम लोग ऊपर पहुँचे तो पता नहीं था कि ऊपर बंदे भी होंगे, और जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं ना हम लोग बंदे एकदम अचानक सामने आते हैं। ये फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस बनने वाली थी मेरे लिए। Watch out! एक पल के लिए तो मुझे बिल्कुल लगा था कि भाई काम बच गया मेरा, बस बस जैसे तैसे मेरा मतलब सही टाइम पर मैंने एकदम सही अपना काम किया, प्रोन हो गया ना उस बंदे को भर दिया। अब भाई वो वहाँ पर वो हाथ में भाले से लेकर आ जाते हैं ना, वो फेरो को रखाने वाले जो उसके दानव से होते हैं छोटे छोटे, वो भी आ चुके थे एंड उन लोगों ने हमको मारने की कोशिश की, बट मैं उनसे बचता सचता यहाँ से बच गया एंड हम लोगों ने फेरो को चैलेंज दिया एंड वहीं पहुंच गए जहां पे वो बड़ा दानव मिट्टी जैसा बना हुआ बड़ा दानव होता है ना, उसके पास हम लोग पहुंच चुके थे। अभी फिलहाल हमारी सारी टीम मिलकर इसको मार पाएगी या नहीं वो आप देखो, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इसके साथ बड़ी फाइट होने वाली है। अब मेरी पूरी टीम ने एक साथ मिलकर इस दानव को ऐसे हराया, मतलब इसको ना एकदम मौका ही नहीं दिया, मेरा एक भी टीममेट नोक नहीं हुआ था एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया था। अभी फिलहाल हम लोगों को लग रहा था कि मेरे 12 किलो हो चुके हैं एंड 30 बंदे अभी अलाइव हैं, एंड हम लोग जैसे ही ऊपर से जंप की ना थोड़ा इधर उधर घूमे तो बंदे बहुत ज़्यादा कम बचे हुए थे। अभी फिलहाल एक बंदा मुझे जैसे ही दिखा मैं बग्घी से कूद के उसको स्प्रे देने की कोशिश की, लेकिन ये बंदा तो यार कोई मौका ही नहीं दे रहा था क्योंकि भाई वो ना रिज के पीछे से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कभी कभी, लेकिन स्प्रे ना उसको लग नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने उस बंदे को स्प्रे मारने की, बट राइट साइड से मेरे को और भी ज़्यादा गोलियां पड़ने लगी, तो हम लोगों ने बग्घी उठाई और सीधा उस बंदे को घुस के मारने की प्रोग्राम फिट किया। मार
हमें सीधा बंदे उसी बंदे के मुंह पर पहुंचकर उस बंदे को फिनिश किया एंड यहां से हम लोगों ने अपनी बग्गी फिर से उठाई एंड जो बंदे राइट साइड से मेरे को मार रहे थे ना, अब हम लोगों ने सीधा बग्गी वहां पर ठोकी जहां थोड़ा कवर तो था लेकिन उन बंदों को मारने के लिए ना बहुत अच्छा मौका था। तो वहां जाने के बाद तुम्हारे भाई ने क्या कमाल दिखाया, अब जो क्लच देखने को आप लोगों को मिलने वाला है ना, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड प्लीज़ आप लोगों से मैं दुआ करूँगा, आप लोगों से भगवान से दुआ करूँगा कि भाई BGMI ना जाए, क्योंकि यार बहुत लोगों की उम्मीदें, बहुत लोग अपना फ्यूचर सेट कर रहे हैं इसके साथ एंड मतलब बहुत ज़्यादा मनोरंजन वाली चीज़ है। अभी फ़िलहाल सामने बंदे, अब पहले बंदे को मैं डाउन कर चुका था एंड दूसरा बंदा छत के टॉप पर था। लो भाई इसी के साथ इस बंदे को मैंने डाउन किया, लेकिन ये नहीं पता था इस घर के अंदर एक दो नहीं पूरे तीन तीन बंदे थे। अब पहले तो मैंने मोली की एंड वो मैं इतने टाइम में जैसे पहुंचा ना, इतने टाइम में वो सारे बंदे रिवाइव हो चुके थे। अब भाई इतने टाइम में जैसे मैं ऊपर पहुंचा सामने मुझे एक बंदा दिखा। अब भाई मैं एकदम से अचानक से इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे टीममेट ने ना इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया, मैं सीधा घुस गया। अब पहले बंदे को नॉक किया, मुझे डर था इस रूम के अंदर भी कोई हो सकता है। अरे भाई पूरे सीढ़ियों पर ना जमा कर बैठे थे अपना ठिकाना कि भाई अगर मैं आऊँगा तो मुझे भर देंगे, लेकिन मैंने इतना थोड़ा सा भी मौका इन लोगों को नहीं दिया एंड इनको सारों को एकदम आसानी से भर दिया। एंड मेरे टीममेट्स ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे कि भाई कमाल कर दिया। अब एक बंदा जैसे ही मुझे ओपन से जाता दिखा तो भाई मैंने उसको ना नोक डाल दिया। अब भाई तभी पीछे से गोलियां पड़ती है मेरे को। अब इस कोर्ट हाउस पर मैं अंधा स्प्रे मारता चला जा रहा था, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे इतना भी अनुमान नहीं था कि बंदा है कहाँ, लेकिन मैं अंधा स्प्रे देता हुआ अपनी बग्गी लेकर सीधा इस कोर्ट हाउस पर पहुंचा। अब बंदा मुझे दिख चुका था। यहाँ पर आने के बाद मेरे पास जितने भी नेट थे ना मैंने सारे तो इस स्क्वाड हाउस के अंदर भर दिए, पर लो भैया एक भी नेट ना इस बंदे को टच नहीं हुआ एंड ये बंदा बचा रह गया। अभी फिलहाल देखो मैंने कितने सारे नेट किए लेकिन उस बंदे को कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हारे भाई की बारी थी सीधा घुस के मारने की। अब मैं जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश की तो उस बंदे ने आगे मौली कर दी। अब ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी थी इस बंदे के साथ फाइट वाली। अब भाई मैंने मोली को बलती हुई आग को ठंडा होने का थोड़ा मौका दिया एंड सीधा उसमें घुसा एंड भाई उसको फिनिश कर दिया। अब जो आखिरी दो बंदे बचे हुए थे वो मेरे टीममेट ने मतलब मार्क कर दिया था एंड जो बंदा मैंने डाउन किया था ना ओपन में वही था। अब ये लो भैया ड्रॉप के पीछे थोड़ा सा बंदा मेरे को दिखा लेकिन मैंने एकदम से उसको नॉक कर दिया। अब मेरा टीममेट जो बग्गी लेके गया था ना उस पर उस बंदे ने गोलियां बरसाई। हेलो भैया उसी के साथ मेरे एक टीममेट ने उसको दो तीन गोलियां मारी एंड कहानी खत्म। फिलहाल विनर विनर चिकन डिनर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड आई होप मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूंगा भगवान से कि भाई BGMI बैन ना हो एंड भाई कुछ गलतियां होंगी तो शायद देख लेंगे भाई पता नहीं सीन क्या है, तो फिलहाल ऐसा कुछ ना हो। अभी फिलहाल सर्वर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा लैग, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। एकदम से ना बंदा टेलीपोर्ट हो रहा है कहीं से कहीं, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या न्यूज़ निकलती है BGMI के बारे में। तब तक लिए बाय बाय, लव यू।